अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस टाइम बज रहे हैं 12 और हम करने लगे हैं नाश्ता। और नाश्ते में कल सबने सही गैस किया था, आलू मेथी पनीर और उसके साथ पराठे ना हो लालम लाल, ये कहाँ लिखा है भाई। तो ये देखें जी, ये बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, साथ अंडा, साथ आलू मेथी और साथ है सुकून। कितने मज़े का नाश्ता होता है ना सर्दियों का। तो सबको बना के दे रही हूँ मैं अभी नाश्ता, फिर देखती हूँ मैंने क्या करना है नाश्ता। सो आज मैं फर्स्ट टाइम जो है ना फिश बना रही हूँ, यानी कि शोरबे वाली फिश बना रही हूँ। और ये मुझे बनानी नहीं आती थी क्योंकि मैं खाती भी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा मम्मा मैं सीखूंगी ज़रूर। तो मम्मा ने मुझे बताया कि इसके अंदर उन्होंने ना 3 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया। ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, नमक मिर्च जो हमारे स्पाइसेस होते हैं करके वो डाल के मम्मा ने कहा इसको अच्छे से भून के तो फिर इसके अंदर ये सारी फिश डाल देना और फिर उसके बाद दही डाल देना। तो मैंने कहा क्यों ना ये यूनिक रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर की जाए क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अब इसमें जाने लगी है दही, कितने चम्मच, 2 चम्मच, 2 चम्मच बहुत अच्छी मम्मा के दही। अब इसको मिक्स करके रख देंगे, मिक्स करके इसमें अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ना। अच्छा जी, भूनने के बाद इसमें फिर पानी डाल देंगे जितना मिक्स होगा बनाना। और फिश तैयार, फिश तैयार, देखें जी इजी टू मेक है जी फिश। एक दो उबाले आएंगे बस तो तैयार फिश। तो बन गए हैं जी गर्मा गर्म फिश, बन गई है ये इसकी फाइनल लुक है। मुझे बड़े कमेंट्स आए हैं, आप ही हमें फाइनल लुक भी लाजमी दिखाना। और ये मम्मा डालने लगी है अब फिश गर्मा गर्म। मामा आप भी शौक से खाती हैं? बहुत मामा आहत, बाकी भाई सारे शोरबा जो है ना वो तो लाजमी पीना चाहिए इन दिनों में, सर्दियों में खास अच्छा। करके सर्दियों में शोरबा लाजमी पिए। ये रेशा, खांसी, जो जुकाम वगैरह हुए हुए है ना उनके लिए बहुत ही। यहाँ पर जी मेरे और साहिबा भाभी के लिए हम वो शोरबे वाली फिश नहीं खाते हैं और हमने अपने लिए फ्राई फिश जो है ना वो बनाई है, और अब हम दोनों देवरानी जुठानी वो खाएंगी।